वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपसे एलकेजी क्लास से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी, जो कि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हमें पता है मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, तो ये वर्कशीट मैंने एलकेजी क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की है। उसकी प्रिपरेशन के लिए हम किस तरीके से वर्कशीट्स बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ हम देखेंगे ये वर्कशीट को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वर्कशीट। इस वर्कशीट में देखिए, आप ट्रेसिंग करनी है कैपिटल लेटर्स की, साथ ही साथ स्मॉल लेटर्स की। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की वर्कशीट को साथ साथ दिया है मैंने ट्रेसिंग के लिए, ताकि बच्चे का जो रिकॉग्निशन क्लियर हो। अगर हमें अल्फ़ाबेट को कैपिटल फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, और स्मॉल फॉर्म के अंदर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है। क्योंकि एलकेजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कैपिटल फॉर्म में भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं और स्मॉल फॉर्म के अंदर भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो आपको दोनों की ही प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। मैंने इस वर्कशीट के थ्रू दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करवाई है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग पेपर देखिए, यहाँ पे कैपिटल फॉर्म के अंदर बच्चा प्रैक्टिस करेगा, साथ ही साथ इधर स्मॉल फॉर्मेट के अंदर प्रैक्टिस करेगा। दिस इज़ कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी। सो दिस इज़ आर नेक्स्ट वर्कशीट। इस वर्कशीट में देखिए क्या करना है, जॉइन ईच लेटर टू द पिक्चर विद द सेम बिगनिंग साउंड। यहाँ पे पिक्चर को और लेटर को आपस में मैच करना है, जो कि सेम बिगनिंग साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइक दिस इज बैट है, तो बैट कौन से इसमें लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उससे उसको मैच करना है। पूरा स्टार्ट डूइंग बेटा, व्हाट इज दिस? बैट। बैट स्टार्ट विद लेटर बी। बी एंड व्हाट इज दिस? फिश। Start with letter F. What is this? Octopus. Start with letter O. O. And what is this? Rat. Start with letter R. R. तो इस तरीके से आप पिक्चर को उसकी लेटर से मैच करवा सकते हैं। दिस इज़ आर नेक्स्ट वर्कशीट। इस वर्कशीट में क्या करना है, एंडिंग साउंड फिल करना है हमें। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है और साथ ही साथ उसके दो लेटर लिखे हुए, एक लेटर लास्ट का जो एंडिंग साउंड है वो मिस किया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद उसका जो लास्ट जो लेटर होगा उसको फिल करना है। लाइक देखिए, व्हाट इज दिस पुरु? रैट। एंड व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ दिस? रैट। रैट। व्हाट इज दिस? पिग। पिग। रैट। हैट। Wet, 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 pin. नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी लॉन्गेस्ट। यहाँ पे बच्चे को इनमें से जो सबसे लॉन्ग है ऑब्जेक्ट उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सर्किल करना है। देखिए इसके अंदर से फर्स्ट में ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट, तो इसको हमने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म के अंदर या ट्रेसिंग फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे देखिए, पूरा लुक एट दिस एंड फाइंड आउट विच वन इज लॉन्गेस्ट। गैस। इसी तरीके से इस पिक्चर में बताइए, नाउ दिस, ये एक्टिविटी लॉन्गेस्ट के लिए थी। इसी तरीके से हम चाहें तो इसी एक्टिविटी में शॉर्टेस्ट के लिए भी करवा सकते हैं। तो देखिए पुरु, विच वन इज शॉर्टेस्ट? गैस। यस यस। तो देखिए इस तरीके से आप लॉन्ग और शॉर्ट के कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए ये इस टाइप की वर्कशीट बना सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट वर्कशीट इज एडिशन। यहाँ पे हम पिक्चर एडिशन करवा रहे हैं, पिक्चर्स के थ्रू एडिशन करवा रहे हैं। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पे टू है, टू प्लस वन, ये वन है। हम यहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितना हुआ, एडिशन कितना हुआ इसका। तो देखिए पूरा स्टार्ट हुई बेटा, थ्री थ्री। नाउ दिस टू टू। नाउ दिस थ्री थ्री। नाउ दिस फोर। यस।
नाउ और नेक्स्ट कंसेप्ट इज बिफोर एंड आफ्टर नंबर। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर नंबर का कंसेप्ट हमें क्लियर करवाना है। इसके लिए वर्कशीट बनाइए। देखिए यहाँ पे एक बीच में एक बिटवीन में एक नंबर लिखा हुआ है, बीच का एक नंबर लिखा हुआ है। अब बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, बिफोर नंबर भी लिखना है, साथ ही साथ उसका आफ्टर नंबर भी लिखना है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट के लिए बनाई गई है, बिफोर के लिए भी और आफ्टर के लिए भी। तो देखिए उरु राइट डाउन बेटा, चेक फर्स्ट दिस नंबर, व्हाट इज दिस, 1, 3, 13 एंड व्हाट कम्स बिफोर 13, बिफोर What comes before 13? Before? Yes. 1, 2. Yes. 1, 2, 12. Small likho beta. What comes after 13? 1, 3, 13. 1, 4, 14. Yes. And look at this. Which number is this? 5, 1, 5, 15. Okay. 1, 5, 15. 1, 6, 16. And what comes before 15? 1, 4, 14. Yes. And look at this. 1, 9, 19. 1, 8, 18. Very nice. And what comes after 19? 19 ke baad 20. Yes. And look at this. 11 ke baad 12. 1, 2, 12. And what comes before 11? 1, 0, 10. इस तरीके से देखिए आप ये बिफोर आफ्टर के कंसेप्ट के लिए वर्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वर्कशीट सिर्फ 20 नंबर्स के लिए ही बनाई गई। नाउ और नेक्स्ट वर्कशीट इज सर्कल द पिक्चर दैट इज डिफरेंट इन ईच रो। यहाँ पे बच्चे को आइडेंटिफाई करना है पिक्चर का और जो भी पिक्चर डिफरेंट है उसको सर्कल करना है। लाइक फर्स्ट देखिए गुरु, विच वन इज डिफरेंट है? यस, इस टाइप की वर्कशीट हम पहले भी कर चुके हैं। इस टाइप की वर्कशीट आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए बच्चे के लिए। अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ रीडिंग पार्ट या राइटिंग पार्ट ही करवाते रहेंगे तो बच्चा बोर हो जाता है, करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइए जो बच्चे को करने में ईजी हो और बच्चा जो है इंटरेस्ट के साथ करता हो। तो इस टाइप की वर्कशीट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज़ आर नेक्स्ट वर्कशीट। ये वर्कशीट जो है मैंने हिंदी के लिए खुद बनाई है, क्योंकि मैं हिंदी की वर्कशीट के प्रिंट नहीं ले पाई थी तो मैंने खुद से ये बना दी है। तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वर्कशीट है वो है चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला लगाएं। यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, चित्र को रिकग्नाइज करना है, देन उससे रिलेटेड जो भी वर्ण है उसका, दो भी अक्षर है उसको सर्किल करना है। तो देखिए गुरु डू दिस। त्रिशूल, टमाटर, छाता, इन दिस वर्कशीट बच्चे को पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है और उससे रिलेटेड अक्षर लिखना है। यहाँ पे शब्द का पहला अक्षर लिखें। तो देखिए गुरु चेक बेटा, किसकी पिक्चर है ये? गमला। कैसे गमला, राइट डाउन गए। Yes. And what is this? छाता। ये क्या? गैसे घर। And now this. This छाते चम्मच। This. जैसे टमाटर। एंड दिस वन नेशनल। नेक्स्ट वर्कशीट में यहाँ पे जैसे इंग्लिश में हम मिसिंग अल्फ़ाबेट करते हैं, इसी तरीके से हिंदी में मिसिंग यहाँ पे अक्षर लिखे हुए, वर्ड लिखे हुए, उनको बच्चे को कंप्लीट करना है और फिल करना है। डू दिस। एस एन आर आ से आम, छोटे सी इमली बड़े सी ई। स्मॉल लिखो, स्मॉल, इतने बड़े बड़े नहीं लिखो। नाउ उसलो बरावसन रेसी रेसी बाबा। नेक्स्ट दिस नेक्स्ट ए से ए डी।
ऐसे एनक यस ओसे ओखरी ओसरट अंगसंगर एकल। तो इस तरीके से आप ये स्वर के लिए मैंने लिया, इस तरीके से आप व्यंजन के लिए भी ले सकते हैं, व्यंजन के थ्रू भी आप ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, इसमें देखिए यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, ये मैंने कुछ दो अक्षर के शब्द लिखे हुए हैं, बच्चे को इनको पहले रीड करना है। यहाँ पे ट्रेसिंग के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चा ट्रेस करेगा इसको। साथ ही साथ आगे जो है वो एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस के जगह पे बच्चे को यही सेम जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे कॉपी करके लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कुछ लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे बच्चे को जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को इन लाइंस के अंदर से फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे शब्द है हमारा कै लै कल, तो बच्चे को यहाँ पे ढूंढना है कि कै लै कल कहाँ लिखा हुआ। पुरु फर्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करो बेटा, कल कहाँ लिखा हुआ, कल 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 यस चेक करो। वेरी गुड, नेक्स्ट रीड करो, नेक्स्ट रीड करो। थक थक, अब देखो थक कहाँ लिखा हुआ है। यस नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज ईक है, ईक चेक करो, ईक वेरी गुड। नेक्स्ट रीड करो, नेक्स्ट टै लेटल वेरी गुड। नेक्स्ट इज टै नेथन चेक करो, थन नेक्स्ट टै नेथन गम है गम गम। वेरी गुड। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, आप चाहे तो इसको इंग्लिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में भी जो सीवीसी वर्ड्स होते हैं उनके लिए आप यहाँ पे सीवीसी वर्ड चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, लिख के दे दीजिए, देन उसके बाद बच्चे को उसको फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट, ये एक ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट है, यहाँ पे बच्चे को पिक्चर को देखना है और उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। आई विल सजेस्ट हियर कि आप स्टार्टिंग के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर के थ्रू डिफरेंसेस फाइंड आउट ना करवाएं, बहुत ही सिंपल पिक्चर लेकर चलें और डिफरेंसेस जो भी हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप स्टार्टिंग में 2-3 डिफरेंसेस वाली पिक्चर लेकर ये वाली वर्कशीट आप करवा सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पुरु सीधा पिक्चर फर्स्ट एंड फाइंड आउट द डिफरेंसेस, दोनों पिक्चर को क्लियरली आपको देखना है और उसमें जो डिफरेंसेस है वो फाइंड आउट करना है। देखिए टू आइज फिल है, इसमें वन आइज फिल है। ओके नाउ सी सेकंड डिफरेंस, इसमें फोर लेग्स है, यहाँ पे 3 legs है। वेरी गुड। नाउ सी द नेक्स्ट डिफरेंस, चेक माउथ ऊपर है, माउथ नीचे है। वेरी गुड। ये कुछ वर्कशीट हैं जो डेली बेसिस पे आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब इन वर्कशीट को हम कैसे रीयूजेबल बना सकते हैं उसके लिए देखिए, मैं पहले ही वाले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ किस तरीके से आप इन वर्कशीट को रीयूज़ कर सकते हैं। आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट बनाते हैं उस वर्कशीट को आप जैसे किसी भी पेपर पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, जैसे मैंने इस पेपर पे इसको बनाया है। देन बनाने के बाद उसको इस टाइप की कुछ पेज प्रोटेक्टर शीट्स आते हैं वो आप पेज प्रोटेक्टर शीट लेंगे और उसके अंदर उस जो पेपर है जिस पे आपने डिज़ाइन किया है वो वर्कशीट वो आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे।
इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद जब भी आपको बच्चे को वर्कशीट करवानी है, आप इस पेज प्रोटेक्टर शीट के थ्रू ही करवाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए आप इस टाइप का कोई भी एक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ये रीराइटेबल मार्कर होता है और इसको आप यूज़ करेंगे तो आप जब भी आप इसको यूज़ करेंगे लाइक इस तरीके से आपने कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर करवा ली है, वर्कशीट फिल करवाई है। अब फिल करवाने के बाद देखिए इस टाइप से आप कोई डस्टर यूज़ कर लेंगे, डस्टर के थ्रू उसको रब कर सकते हैं। तो अगेन देखिए ये जो वर्कशीट है हमारी, आपको बार बार डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार वर्कशीट बनाइए और उसको रीयूजेबल बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ वर्कशीट जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं अपने बच्चे से। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू वॉच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।